मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अरविंद इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन पोर्टल पर। आज हम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो दूसरा पार्ट है जिसको आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम का शुरुआत मैंने मानव कार्य की यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में कर दी थी। अब उस ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो है मैंने आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम में एक फिगर के द्वारा मैंने आपको समझाया था कि कौन कौन सा हिस्सा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। जैसे इस फिगर के द्वारा मैं फिर से आपको एक बार फोकस करा देना चाहता हूँ। जैसे एक ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक फिगर है, ठीक है, इसमें यह मुख गुहा है जहाँ से भोजन अंदर इंजेस्ट किया जाता है यानी अंतर ग्रहण किया जाता है, अंदर भेजा जाता है। तो सबसे पहला जो हिस्सा होता है वो मुख गुहा होता है, जिसको हम लोग बकल कैविटी कहते हैं। मुख गुहा यानी बकल कैविटी, बकल कैविटी, मुख गुहा। तो सबसे पहले मुख गुहा में पाचन की क्रिया होती है, हिंदी में इसको हम लोग मुख गुहा के नाम से जानते हैं। सबसे पहले मुख गुहा में पाचन की क्रिया होती है और भोजन जैसे मुख गुहा में प्रवेश करता है तो कैसे पाचन की क्रिया होती है उसको अब आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ हम कहते हैं मुख गुहा में पाचन, मुख गुहा में पाचन क्रिया यानी पाचन, ठीक है, डाइजेशन इन बकल कैविटी, बकल कैविटी। तो आज देखेंगे डाइजेशन इन बकल कैविटी। देखिए सबसे पहले हम जैसे मुख गुहा में पाचन की क्रिया करते हैं तो हमारे मुख में तीन जगह पर जो लार एंजाइम्स, सॉरी, जो लार होते हैं, लार ग्रंथियां जो होते हैं यानी सैलिवरी ग्लैंड्स, इन सैलिवरी ग्लैंड से जो है लार का स्राव होता है। अब फिगर में देखिए कहाँ कहाँ सैलिवरी ग्लैंड्स, एक तारू के नीचे जो है यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड बनाया है, एक कान के पास बनाया है और एक पीछे बनाया है। ये तीन जगह सैलिवरी ग्लैंड होता है यानी कि लार ग्रंथि होती है। इन लार ग्रंथियों से जो है लार का स्राव होता है यानी सलाइवा का सिक्रेशन होता है। जब लार का स्राव होता है तो लार में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन की क्रिया में मदद करते हैं। तो उन्हीं एंजाइम्स को देखेंगे क्योंकि प्रश्न एंजाइम्स से पूछा जाता है, साधारण क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, लार में दो तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। लार में यानी कि आपके सलाइवा में दो तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। एक को हम लोग कहते हैं लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम जो होता है, लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है। जो दूसरा एंजाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइलिन। क्या बोलते हैं दोस्तों? टाइलिन, टाइलिन, टाइलिन एंजाइम बोला जाता है। ये दो तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। तो जो लाइसो एंजाइम, लाइसोजाइम्स है, इसका एक विशेष कार्य होता है। ये क्या करता है? मुख मुख में प्रवेश करने वाले यानी मुंह में प्रवेश करने वाले जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया या अदर सूक्ष्म जीव, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अन्य सूक्ष्म जीव जो होते हैं, इनको जो है मार डालता है यानी इनको किल कर देता है। क्या करता है लाइसोजाइम? जो लार में उपस्थित लाइसोजाइम होता है वो बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्म जीवों को जो है वो मार डालता है यानी किल कर देता है, ठीक है। दूसरा इसमें एंजाइम है टाइलिन। अब टाइलिन का एक काम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है टाइलिन का। टाइलिन जो होता है ये मुंह में पाए जाने वाले स्टार्च, स्टार्च यानी कि मंड, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट्स है, ये स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम लोग हिंदी में मंड कहते हैं। स्टार्च को वो किसमें कन्वर्ट कर देता है? माल्टोस में। किसमें कन्वर्ट कर देता है दोस्तों? माल्टोस में, माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है यानी माल्टोस को परिवर्तित कर देता है। यानी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टेप पाचन की क्रिया संपन्न हो चुकी है। टाइलिन जो है वो भोजन में उपस्थित स्टार्च यानी कि मंड को माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है। एक स्टेप पाचन की क्रिया जो है संपन्न यहाँ पर हो गई, ठीक है। अब इसके बाद जो है मुख गुहा में ये पाचन की क्रिया हो गई, अब इसके बाद भोजन जो है वो पहुँचेगा किसमें? ओइसोफेगस या फूड पाइप में पहुँचेगा। ओइसोफेगस यानी कि फूड पाइप में पहुँचेगा या भोजन नलिका में पहुँचेगा, जिसको हम लोग ओइसोफेगस कहते हैं, ओइसोफेगस कहते हैं या इसोफेगस के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं,
फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है, या भोजन, या भोजन नलिका भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है भोजन जो है कहाँ पहुँचा, भोजन नलिका में। तो आपको फिगर में भी यहाँ पर दिखा दिया मैंने कि ये दिस इज़ आपका ओइसोफैगस, ओइसोफैगस के नाम से जाना जाता है, यानी कि भोजन नलिका के नाम से जाना जाता है। देखिए, भोजन नलिका में कोई भी पाचन की क्रिया संपन्न नहीं होती है, देर इज नो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेकन प्लेस, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस, यानी कि पाचन की क्रिया नहीं होती है। तो आप जो है जितने भी आपके आहार नाल, जो पूरा एलिमेंट्री केनाल होता है, आहार नाल होता है, उसमें ओइसोफैगस या भोजन नलिका या फूड पाइप ही एक ऐसा जगह होता है जहां पर कोई पाचन की क्रिया संपन्न नहीं होती है। बात समझ में आया? तो जब कोई पाचन की क्रिया संपन्न नहीं होती है तो यहां पे होती क्या है, यहां पर एक प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं क्रमाकुंचन, क्रमाकुंचन यानी पेरिस्टॉलसिस, पेरिस्टॉलसिस, क्रमाकुंचन क्रिया होती है, पेरिस्टॉलसिस क्रिया होती है, क्रमाकुंचन क्रिया होती है। अब ये क्रिया होती क्या है, इसमें भोजन जो है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सरकते हुए स्टमक में पहुंच जाता है। यहाँ पर भोजन जो है धीरे धीरे सरकते हुए कहाँ पहुँच जाता है, स्टमक में पहुँच जाता है। अब आप कहेंगे धीरे धीरे सरकते हुए कैसे पहुँच जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो ओइसोफैगस यानी फूड पाइप की जो आंतरिक दीवार होती है उस पर हमें, उसमें हमेशा जो है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन होता है, यानी कि सिकुड़ाव और फैलाव होता है। इस सिकुड़ाव और फैलाव को ही जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्रमाकुंचन के नाम से जानते हैं, या फिर उसको पेरिस्टोलसिस के नाम से जानते हैं। तो भोजन जो है उस भोजन नलिका में पहुंचा तो वहां पर क्रमाकुंचन होना शुरू हुआ और धीरे धीरे भोजन सरकते हुए कहाँ पहुँच गया, धीरे धीरे भोजन सरकते हुए पहुँच गया स्टमक में। अब यहाँ पर स्टमक में मुख्य पाचन की क्रिया संपन्न होती है जो हम आपको आगे बताने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं आमाशय में पाचन यानी कि डाइजेशन इन स्टमक, डाइजेशन इन स्टमक, आमाशय में पाचन कहते हैं, आमाशय में पाचन की क्रिया या पाचन क्रिया जो भी कह लीजिए आप, ठीक है, यानी डाइजेशन, डाइजेशन इन स्टमक, डाइजेशन इन स्टमक, आमाशय में पाचन की क्रिया। अब आमाशय में पाचन की क्रिया कैसे होती है और वो कौन से एंजाइम्स हैं जो आमाशय में पाचन की क्रिया करते हैं, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स, या दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। पहले आमाशय में जो पाचन की क्रिया कैसे होती है, देखिए आमाशय की दीवारों पर बहुत सारे कोशिकाएँ पाई जाती हैं, जैसे यहाँ पर फिगर में देखिए आप लोग, फिगर में जो है ये आमाशय की दीवार है, यहाँ पर बहुत सारे कोशिकाएँ छोटी बड़ी पाई जाती हैं, कोशिकाएँ पाई जाती हैं। अब इन कोशिकाओं का जो है अपना एक रोल होता है, वो रोल क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहला तो ये है कि आमाशय की दीवार पर एक ऑक्सेंटिक कोशिकाएँ पाई जाती है, ऑक्सेंटिक, ऑक्सेंटिक कोशिका पाई, ऑक्सेंटिक सेल कहते हैं, या हिंदी में ऑक्सेंटिक, ऑक्सेंटिक कोशिका पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है, ठीक है, ऑक्सेंटिक कोशिका पाई जाती है। इस ऑक्सेंटिक कोशिका में, आमाशय की दीवारों पर ऑक्सेंटिक कोशिका पाई जाती है, इस ऑक्सेंटिक कोशिका से ही जो है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव होता है, ठीक। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता क्या है, फंक्शन क्या है इसका, क्या करता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड? दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है भोजन में उपस्थित, भोजन में उपस्थित जितने भी सूक्ष्म जीव हैं यानी माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव यानी भोजन में उपस्थित जितने भी माइक्रोब्स हैं उनको क्या कर देता है, किल कर देता है, मार देता है। यानी दो बार जो है सूक्ष्म जीवों का जो है यहाँ पर
दमन जो दो बार होता है, सूक्ष्म जीवों को दो बार जो है एक्सक्लूड किया जाता है। एक पहली बार तो तब किया जाता है जब हम भोजन को मुख गुहा में यानी बकल कैविटी में लेते हैं, मुख गुहा में अंदर डालते हैं, तो उस दौरान जो है उस दौरान भोजन भोजन में उपस्थित जितने भी माइक्रोब्स हैं वो लार ग्रंथियों से निकलने वाले लार के लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा किल कर दिए जाते हैं। एंड आफ्टर दैट उसके बाद जो है दूसरा पार्ट एक इसका ये है कि जब हम भोजन आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय के ऑक्सेंटिक कोशिकाओं के द्वारा जो HCl का स्राव होता है, उस HCl से भी जो है HCl से भी सूक्ष्मजीव यानी माइक्रोब्स जो जितने भी होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक, ओके। अब आमाशय की दीवारों से एक प्रकार के जूस यानी कि रस का स्राव होता है, आमाशय की दीवारों से एक प्रकार के रस का स्राव होता है जिसको हम लोग जठर रस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, यानी जठर रस का स्राव होता है, आमाशय की दीवारों से जठर रस का स्राव होता है। अब ये जठर रस हमारे लिए करता क्या है या हमारे किस काम आता है जठर रस, इसके बारे में देखेंगे। देखिए जठर रस में जो है बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स अपना कुछ ना कुछ इनका जो है अपना अलग से फंक्शन होता है, उस फंक्शंस को देखेंगे क्या करते हैं। ये देखिए जठर से यानी कि गैस्ट्रिक जूस से जो है गैस्ट्रिक जूस में जो है ये एंजाइम पाए जाते हैं। पहला एंजाइम जो है जठर रस में जो पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं पेप्सिन। क्या कहते हैं दोस्तों? पेप्सिन, हिंदी में भी पेप्सिन कहते हैं। ठीक, ये एक पहला एंजाइम्स है। ठीक है, दूसरा एंजाइम जो जठर रस में पाया जाता है यानी कि गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है इसको हम लोग कहते हैं रेनिन। क्या कहते हैं दोस्तों? रेनिन। ठीक है, हिंदी में भी रेनिन ही कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो एंजाइम्स पाया जाता है, एंजाइम नहीं एक तरह का तरल पदार्थ लिक्विड फ्लूइड्स पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं म्यूसिन। क्या कहते हैं दोस्तों? म्यूसिन। ठीक है, तो इस तरह से जठर रस से ये निम्न तीन प्रकार के जो है तरल पदार्थों का स्राव होता है जिनमें से ये दो एंजाइम्स हैं। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं ये देखिए, आप लोग यहाँ तक जो है नोट कर सकते हैं या उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके ऊपर जो है हम बताने जा रहे हैं, ऊपर यहाँ पर लिख कर बताएंगे आपसे कि इन तीनों में अलग अलग फंक्शंस क्या है इनका। ठीक है, तो देखिए जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन का एक डिफरेंट टास्क होता है। ये करता क्या है भोजन के साथ जो है इसका क्या रिलेशन होता है या भोजन के साथ ये करता क्या है इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन इस प्रोटीन को पेप्टोन में पहले परिवर्तित करता है। किस में परिवर्तित करता है? पेप्टोन। प्रोटीन को जो है भोजन में उपस्थित के पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है और फिर तत्काल जो है पेप्टोन एक अस्थाई जो है सब्सटेंस है, एक अस्थाई इनस्टेबल सब्सटेंस है। पेप्टोन जो है फिर पॉलीपेप्टाइड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है दोस्तों? पॉलीपेप्टाइड में। पेप्टोन जो है वो पॉलीपेप्टाइड में बदल जाता है, ये पदार्थ बनता है पॉलीपेप्टाइड। ठीक, ये एक अलग सब्सटेंस बना। तो याद रखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा प्रोटीन है, तो प्रोटीन जो है एक तो प्रोटीन अपने आप में खुद ही जो है जिसको हम प्रोटीन बोल रहे हैं अपने आप में खुद ही एक एमिनो एसिड होता है। पेप्टोन भी एक प्रोटीन होता है और पॉलीपेप्टाइड भी एक क्या होता है? प्रोटीन होता है। और ये तीनों कहाँ से पाए जाते हैं? जब प्रोटीन का एनालिसिस किया जाता है या प्रोटीन को जो है डाइजेस्ट किया जाता है तो जब वो अपने छोटे छोटे सब्सटेंसेस में टूटता है तो हमें पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि भोजन में उपस्थित जितने भी प्रोटीन होंगे वो सारे प्रोटीन जो है डाइजेस्ट होने के बाद पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में टर्न हो जाएंगे यानी ये परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट है जो रेनिन जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, रेनिन क्या करता है, रेनिन का रोल क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं रेनिन क्या करता है। रेनिन जिसको हम लोग रेनिन कहते हैं, ठीक है, रेनिन क्या करता है? रेनिन जो भोजन में उपस्थित
एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, सॉरी दूध में उपस्थित एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसको हम लोग केसीन कहते हैं, ठीक है। रेनिन क्या करता है, केसीन को, केसीन केसीन ये दूध में उपस्थित होता है, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन। ये कई बार पूछा गया है कि दूध में कौन सा प्रोटीन का पाया जाता है जिसके कारण दूध का रंग हल्का जो है पीला होता है, तो वो कौन सा प्रोटीन है, वो केसीन प्रोटीन है, ठीक है। तो रेनिन क्या करता है, इस केसीन को, यहाँ पे हम रेनिन लिख दे रहे हैं रेनिन क्रिया से, केसीन को कैल्शियम पैरा केसीनेट में बदलता है दोस्तों, कैल्शियम पैरा केसीनेट में, कैल्शियम पैरा केसीनेट, कैल्शियम पैरा केसीनेट में बदलता है। कैल्शियम पैरा केसीनेट में बदलता है, समझ में आया। और कैल्शियम पैरा केसीनेट में बदलना केसीन का, यही जो है दूध से दही का बनना होता है, दूध से दही का बनना होता है, ठीक है, दूध से दही का बनना होता है। याद रखिए दोस्तों, इसमें एक विशेष प्रकार की बैक्टीरिया बहुत हेल्पफुल होती है जिसके कारण जो है केसीन जो है कैल्शियम पैरा केसीनेट में बदलता है। उस विशेष प्रकार की बैक्टीरिया को हम लोग लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया को हम लोग लैक्टोबैसिलस कहते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनता है, सॉरी एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसको हम लोग केसीन कहते हैं दूध में, और वो केसीन जो है रेनिन एंजाइम्स के द्वारा कैल्शियम पैरा केसीनेट में बदल जाता है, जिसमें एक बैक्टीरिया बहुत ही हेल्पफुल होता है जिसको हम लोग कहते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध से दही में बनने में, दूध का दही में बनने में मदद करता है, ठीक है। तो ये था जो है स्टमक में पाचन। अब आपसे ये प्रश्न एक छोटा सा पूछा जाता है कि वो क्या कारण है कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे कॉन्सनट्रेट एसिड जो है पेट के अंदर यानी कि स्टमक में सिक्रेट होता है, लेकिन फिर भी वो कोई प्रभाव नहीं डालता है, पेट को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, उसके पीछे रीज़न है, उस रीज़न को समझेंगे। देखिए, पेट की दीवारों पर यानी कि स्टमक वॉल पर, पेट की दीवारों पर एक प्रकार का तरल पदार्थ का सिक्रेशन होता है जिसको हम लोग म्यूकस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, म्यूकस यानी श्लेष्मा, क्या कहते हैं, श्लेष्मा। इस म्यूकस का स्राव होता है, ये म्यूकस जो है बड़े काम का चीज़ होता है। जब ये म्यूकस का स्राव होता है तो ये म्यूकस जो है पेट की दीवारों यानी कि आमाशय की दीवारों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl से बचाता है, ठीक है। ये दूसरी बात यहाँ समझने वाली है, आमाशय की दीवारों को हाइड्रोक्लोरिक, ये क्या होता है, जैसे ही सिक्रेट होता है वैसे ही पूरे आमाशय की दीवारों पर फैल जाता है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे ये जो है हमारे बॉडी के अंदर यानी आमाशय से निकलने वाले HCl जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट की दीवारों को, आमाशय की दीवारों को जला नहीं पाता है। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर जो है म्यूकस का सिक्रेशन नहीं हो, तो फिर आमाशय की दीवारों में अल्सर हो जाता है जिसको हम एक नाम से जानते हैं, दैट इज़ पेप्टिक अल्सर के नाम से जानते हैं, ठीक है, पेप्टिक अल्सर के नाम से जानते हैं, ठीक। इस अल्सर को ही हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर, यानी आमाशय की दीवारों को जो है HCl के स्राव से बचाने का काम कौन करता है, म्यूकस करता है, डेफिनेटली म्यूकस। तो म्यूकस क्या करता है, म्यूकस जो है पेप्टिक अल्सर होने से जो है आपके आमाशय की दीवारों को बचाता है, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। अब हम थोड़ा सा कुछ ऐसे जो है बाह्य नलिकाएं होती हैं जिनके द्वारा अलग अलग चीज़ों का स्राव होता है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम आपको अग्नाशय के बारे में बताएंगे कि अग्नाशय क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, और अगर अग्नाशय होता है क्या होता है आमाशय। सबसे पहले तो आमाशय जो है
शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कितनी? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, आमाशय जो है मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और आपको बताने में बिल्कुल भी हिचक नहीं होनी चाहिए कि जो पहली सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। यानी कि लीवर जो है हमारे मानव शरीर में, यानी मानव शरीर के अंदर जो है पहली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लेकिन आमाशय जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, ये पहली बात आमाशय के बारे में। ठीक है, दूसरी बात, आमाशय को जो है अंतःस्रावी तथा बहिर्स्रावी दोनों तरह की ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावी तथा इसको एंडोक्राइन कहते हैं, एंडोक्राइन तथा बहिर्स्रावी ग्रंथि, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड, दोनों हो गया। ठीक है, पहला अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरा बहिर्स्रावी ग्रंथि, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए, जो एक्सोक्राइन इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, इससे एंजाइम का स्राव होता है। क्या होता है? एंजाइम का स्राव होता है। जबकि बहिर्स्रावी जो ग्रंथि होता है, इससे हार्मोन का स्राव होता है, हार्मोन का सिक्रेशन होता है। क्या होता है? हार्मोन का सिक्रेशन होता है, यानी हार्मोन का स्राव होता है। तो आप समझिए, जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है उससे जो है एंजाइम का स्राव होता है, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है उससे हार्मोन का स्राव होता है, दोनों बात। ठीक है, अब हम तो बता दिया आपको जो ये दोनों, इसीलिए इसको जो है ये दोनों फंक्शन करती है, यानी कि हार्मोन का भी स्राव करती है और एंजाइम का स्राव करती है। इस वजह से इसको दोहरी ग्रंथि भी कहते हैं, दोहरी ग्रंथि भी कहते हैं, यानी कि डबल ग्लैंड भी कहते हैं, डबल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, डबल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दोहरी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, साथ में जो है हार्मोन का भी स्राव करता है और साथ ही साथ जो है एंजाइम का भी स्राव करता है, इसलिए इसको दोहरी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अब और भी कुछ बातें आमाशय के, सबसे पहले कि ये कौन कौन सा हार्मोन का स्राव होता है, ठीक है, करता है, और उसके बाद बताएंगे कौन कौन से एंजाइम का स्राव करता है। तो आइए देखिए, हार्मोन अग्नाशय के द्वारा स्रावित हार्मोन और उनका जो रोल क्या क्या है उसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, तो अग्नाशय के द्वारा स्रावित हार्मोन, अग्नाशय के द्वारा स्रावित हार्मोन कौन कौन से होते हैं? तो पहले हम बताएंगे ये कि अग्नाशय के द्वारा जो है कहाँ कहाँ से, यानी पैंक्रियाज के द्वारा कहाँ कहाँ से हार्मोन का स्राव होता है। देखिए, अग्नाशय में जो है एक लैंगरहैंस आइसलेट होता है, लैंगरहैंस आइसलेट, ठीक है, जिसको हम लोग लैंगरहैंस द्वीपिका कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगरहैंस द्वीपिका कहते हैं। ये लैंगरहैंस द्वीपिका करता क्या है? इस द्वीपिका में बहुत छोटे छोटे सेल्स पाए जाते हैं, यानी कोशिकाएं पाए जाती हैं, जिनको हम लोग अल्फा कोशिका, यानी अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल, तीन तरह के सेल पाए जाते हैं इस लैंगरहैंस द्वीपिका में। तीन तरह के सेल पाए जाते हैं। लैंगरहैंस के अल्फा सेल से ग्लूकोन, कौन सा? ग्लूकोन हार्मोन का स्राव होता है। लैंगरहैंस के बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है। बहुत ही चर्चित एंजाइम है और अक्सर क्वेश्चन में कई बार पूछा भी गया है, इंसुलिन एंजाइम कहाँ से स्राव होता है? तो अग्नाशय से स्राव होता है, लेकिन अग्नाशय में कहाँ से स्राव होता है? तो अग्नाशय में लैंगरहैंस आइसलेट के
बीटा सेल से जो है इंसुलिन का स्राव होता है। गामा से सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, ठीक है। तो जो गामा सेल है उससे सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का स्राव होता है, जो बीटा सेल है उससे इंसुलिन का स्राव होता है, और साथ ही जो अल्फा सेल है उससे ग्लूकोन का स्राव होता है। एक्चुअली बेसिकली यही क्वेश्चंस में ज़्यादा बार पूछा गया है कि जो बीटा सेल है उससे क्या स्राव होता है, इंसुलिन का स्राव होता है। याद रखिए दोस्तों, अगर रक्त में यानी ब्लड में आपके ब्लड में अगर इंसुलिन की मात्रा अगर ब्लड में आपके इंसुलिन की मात्रा अगर कम हो जा रही है ब्लड में फिर से ध्यान से सुनिए, ब्लड में अगर इंसुलिन की मात्रा अगर कम हो जाती है तो इस दशा में एक बहुत बड़ी समस्या होगी। आपके ब्लड में जो है ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन नहीं हो पाएगा, और अगर ऐसा होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं हो पाता है तो उसी दशा को हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं, यानी कि मधुमेह की स्थिति कहते हैं। तो वो कब होता है, जब ब्लड में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, ये जो इंसुलिन का सिक्रेशन है अगर इसकी मात्रा कम हो जाती है तो आपके ब्लड में जो है कार्बोहाइड्रेट जो होता है उपस्थित होता है, या कार्बोहाइड्रेट जो है मिला होता है घुला होता है उसका डाइजेशन नहीं हो पाता है। इस दशा को ही जो है हम लोग मधुमेह की दशा कहते हैं। क्या कहते हैं, मधुमेह की दशा यानी डायबिटीज़ की दशा, मधुमेह डायबिटीज़ की दशा कहते हैं, यानी मधुमेह की दशा कहते हैं। और मधुमेह की दशा में जो है आपको मीठी चीज़ें इसलिए वर्जित हो जाती है क्योंकि आपके ब्लड में जो उपस्थित कार्बोहाइड्रेट्स है या शुगर है या फिर ग्लूकोज है उसका डाइजेशन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपका जो बीटा सेल्स या आपका अग्नाशय इंसुलिन का सेक्रेशन बंद कर दिया है, ऐसा होता है, ठीक है। और अगर ये तो पहली अवस्था है, दूसरी अवस्था ये है कि अगर इंसुलिन की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है, ठीक है। अगर इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है तो उस दशा को हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हाइपोग्लाइसीमिया, उस दशा को हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया जो होता है एक ऐसी दशा है जिसमें रक्त में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाए तो उसको उस दशा को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्लूकोज या स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा तो इस दशा को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। और अगर कम से कम होता है या नहीं होता है या रुक जाता है तो उसको मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ कहते हैं, उस दशा को डायबिटीज़ कहते हैं। समझ में आया, तो यही जो है अग्नाशय और उससे निकलने वाले हार्मोन्स का प्रभाव था, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि जो अग्नाशय से निकलने वाले वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं और उनका फंक्शन क्या है, क्या करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एंजाइम जो है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन करता है दोस्तों, प्रोटीन का। और प्रोटीन को क्या करता है, प्रोटीन को पुनः जो है पेप्टोन में बदलता है, ठीक है। और दूसरा जो है एमाइलेज क्या करता है, ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, यानी कि मंड का डाइजेशन करता है। अब कैसे करता है ये देखिए, स्टार्च को जो है ये किस में बदलता है, माल्टोस में बदलता है। ये इसका काम होता है, किसका, माल्टोस में बदलने का काम करता है, ये इसका फंक्शन होता है, ठीक है। अब तीसरा जो लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करने का काम करता है। तो ये अग्नाशय से निकलने वाले तीन प्रमुख एंजाइम्स हैं जिसके बारे में आपने अच्छी तरह से समझा, ठीक है। अब आपसे कई बार ये क्वेश्चन ये भी किया गया है कि जो अग्नाशय होता है उस अग्नाशय से निकलने वाले जो जूस होते हैं, अग्नाशयी रस जिसको कहते हैं, उनका पीएच क्या होता है या पीएच
किस रूप का होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, इसके बारे में देख लीजिए, इसके बारे में समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो देखिए अग्नाशय जो है यानी कि पैंक्रियाज जो है, इसका पीएच क्या होता है, पीएच ऑफ पैंक्रियाज, पैंक्रियाज का जो पीएच होता है, पैंक्रियाटिक जूस का जो पीएच होता है, अग्नाशयी रस का जो पीएच होता है, वो हमेशा 7.5 से 8.3 तक वैरी करता है, 7.5 से 8.3 तक वैरी करता है। और याद रखिए दोस्तों, हमेशा 7 से ऊपर जैसे ही पीएच जाता है तो वो जो है पीएच जो है वो क्षारीय होने लगता है, और 7 से नीचे अगर पीएच है तो वो माध्यम जो है या उस सॉल्यूशन का माध्यम कैसा है, अम्लीय है। तो हम इसको अग्नाशयी रस का पीएच जो है हम लोग क्या कह सकते हैं, ये हो गया क्षारीय, इसका पीएच कैसा हो गया, क्षारीय पीएच हो गया, समझ में आया। तो अब इसके बाद जो है दूसरा अग्नाशय का पीएच, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो अग्नाशयी रस होता है, या पहले तो यह है कि ये क्षारीय माध्यम में होता है, मतलब इसका पीएच जो है कैसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। दूसरी बात, जो अग्नाशयी रस होता है इसको पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, पूर्ण पाचक रस के नाम से जानते हैं, यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, यानी पूर्ण पाचक रस के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में इसको पूर्ण पाचक रस कहते हैं, ऊपर लिख दिया मैंने, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस यानी पूर्ण पाचक रस के नाम से जानते हैं। क्यों कहते हैं पूर्ण पाचक रस, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स के लगभग तीनों पार्ट्स को जो है डाइजेस्ट करने का काम करता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का भी डाइजेशन करता है, प्रोटीन का भी डाइजेशन करता है, और साथ ही साथ जो है ये इसके द्वारा जो है वसा का भी डाइजेशन किया जाता है। तो ये जो है अग्नाशय से होने वाले डाइजेशन और अग्नाशय संबंधित, अग्नाशय से पूछे जाने वाले प्रश्न भी जो है इसमें समाहित हैं, ठीक है। तो ये था जो है डाइजेस्टिव पार्ट का जो है दूसरा पार्ट। अब इसके आगे जो है एक तीसरा पार्ट हम अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें हम आंत के बारे में बताएंगे और साथ में लीवर के फंक्शंस के बारे में भी बताएंगे कि लीवर कैसे जो है आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में मदद करता है, कि क्या होता है लीवर और क्यों इसको सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ में लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।